गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 1. तो लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 64 पर त्र से त्रिशूल के रिलेटेड जो वो लेटर के रिलेटेड जो भी वर्ड्स थे वो हमने देखे थे, जो आपको नोटबुक में मैंने होमवर्क दिया है लाइन भर के लिखने के लिए. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 65 से. वर्ण माला, खाली जगह भरो, खाली जगह भरो, फिल इन द ब्लैंक्स. क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष न त्र. तो ऑलरेडी मैंने आपको ये पहले 3 times लिखने दी थी, आज हम इसको 3 times की जगह पर 2 times होमवर्क है ये आपका, ठीक है, नोटबुक में. चलो अब हम देखेंगे नंबर्स, संख्याएं. संख्याएं, नंबर. पढ़ो, समझो और बोलो. रीड, अंडरस्टैंड एंड से. 1 यानी 1, तो कैसे लिखेंगे इसको? 1. उसके बाद है 2 यानी 2. तो द को एक काना और एक मात्रा करेंगे तो हो जाएगा 2. 3 यानी 3, तो त को दीर्घ ही करेंगे फिर न लिखेंगे यानी 3. फिर 4 यानी 4, तो च को एक काना और र यानी 4. फिर 5 यानी 5. प को एक काना करके जो चंद्र बिंदु होता है वो हम करेंगे और च 5. 6 यानी 6 यानी 6. 7 7. स को एक काना और एक और त लिखेंगे यानी 7. उसके बाद 8 यानी 8. 8. उसके बाद 9 यानी 9. न को एक काना और 2 मात्र यानी 9. उसके बाद है 10 यानी 10. 10 10. तो आपको ये नोटबुक में लिखना है. चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपको बुक में किस तरीके से अब लिखना है. पहले तो हमने सिर्फ नंबर्स और वही लिखे थे, है ना? तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे संख्याएं, नंबर्स, ठीक है, आपको इस तरह से हेडिंग देना है नोटबुक में. उसके बाद आप जैसे लिखोगे 1 यानी 1, फिर पूरी लाइन आपको इस तरीके से लिखनी है 1 यानी 1. उसके बाद उसके बाजू में आप लिखोगे 2 यानी 2. उसके बाद आएगा 3, 3, 4, 4, उसके बाद 5, 5, उसके बाद है 6, 6, sorry, 7, 7, उसके बाद है 8,
आठ, उसके बाद है नाइन, नौ, उसके बाद है टेन, यानी दस। किस तरीके से लिखना है? सबसे पहले इंग्लिश में वन लिखना है, फिर उसकी स्पेलिंग ओ एन ई वन, फिर हिंदी में एक लिखना है नंबर में, फिर उसका एक, फिर पूरी लाइन भर के ऐसे लिखना है, फिर उसके बाजू में लाइन के बाजू में आपको लिखना है टू, फिर लिखना है टी डब्ल्यू ओ टू, फिर हिंदी में दो यानी दो, थ्री टी एच आर डबल ई थ्री यानी तीन, फोर एफ ओ यू आर फोर यानी चार, एफ आई वी फाइव पाँच, एस आई एक्स सिक्स यानी छः, सात सॉरी सेवन एस ई वी ई एन सेवन यानी सात, एट यानी आठ, नौ नाइन यानी नौ, फिर टेन टी ई एन टेन सॉरी ई आई जी एच टी एट यानी आठ, एन आई एन ई नाइन यानी नौ, टी ई एन टेन यानी दस। तो इस तरह से आपको पूरी लाइन भर भर के हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। ओके, तो आज इसका आपका ये होमवर्क है कि आगे का जो टेक्स्ट बुक के आगे जो पेज नंबर 65 है तो उसमें जो वर्णम आना है वो आपको नोटबुक में दो बार लिखनी है, और ये पूरी लाइन भर भर के हिंदी और इंग्लिश दोनों में नंबर्स लिखने हैं। ओके किड्स, आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।